ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इस वीडियो के अंदर हम आपको दो ऐसे शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से आप पर कितना भी बड़ा कर्जा है तो आप उस कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। जी हां, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करिएगा। ये उपाय मंगलवार के दिन ही किए जाते हैं और ये बहुत विशेष उपाय हैं। इनको करके आप कर्ज से मुक्त अवश्य ही हो जाएंगे। आज की जो जिंदगी हो गई है उसमें हर एक चीज कर्जा ले लेकर के व्यक्ति अपने जीवन में लेकर के आता है। जैसे कि कोई गाड़ी खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, मकान के अंदर सामान लगाना हो, सब कुछ ईएमआई पर खरीदता है और व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। अपने व्यापार को चलाने के लिए कर्जा लेता है, कभी कभी घर परिवार को चलाने के लिए भी व्यक्ति कर्जा लेता है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि बीमारी के लिए भी कर्जा लेता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्जे से दबता चला जा रहा है और इस कर्जे से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति का कर्जा उतारने के लिए वो दूसरे व्यक्ति से कर्जा लेता है और फिर वह कर्जे में डूबता चला जाता है। तो ये दो महाप्रयोग यदि आप इनको करते हैं तो आप इसमें ये मान करके चलिए चलिए कि आप यदि ये प्रयोग कर लेते हैं तो आप कर्जे से मुक्त होते चले जाएंगे। आपके नए नए रास्ते खुलेंगे जिनसे आपके पास धन आएगा और आप कर्जे मुक्त हो जाएंगे। उपाय आपको दोनों ही करने हैं। एक उपाय करके दूसरा उपाय ना करें, ऐसा नहीं करना है। एक दूसरा उपाय एक दूसरे का पूरक है, यानी कि दोनों उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब उपाय क्या है ये समझ लीजिए। मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये उपाय हर मंगलवार करना है। और कितने मंगल आपको लगातार करना है? ये आपको करना है 7 मंगलवार लगातार। जी हाँ, 7 मंगल लगातार करना है। करना क्या होगा? आप बाजार से साबुत मसूर की दाल लाओगे, लाल वाली। मसूर की दाल दो तरह की आती है, छिलके वाली, बिना छिलके वाली। आपको साबुत मसूर की दाल लाल वाली लेनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये आपको लेनी है और लेने के बाद में आपको इसके दाने गिनकर, जी हाँ, इसके दाने गिन करके 108 दाने आपको लेने हैं। सिर्फ 108 दाने आपको साबुत मसूर की दाल के लेने हैं। और इसी के साथ साथ आप बाजार से लेकर के आओगे एक बूंदी का लड्डू। जी हाँ, बूंदी का लड्डू लेकर के आओगे एक, और एक तुलसी का पत्ता आप लोगे। इतनी सामग्री आपको चाहिए, तुलसी का पत्ता, एक बूंदी का लड्डू और मसूर की साबुत दाल, वो भी लाल रंग वाली, छिलका उतरी हुई दाल। इतनी सामग्री लेकर के आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है जिसमें हनुमान जी भी हों। ऐसे मंदिर में जाना है कि भगवान शिव के साथ वहां पर हनुमान जी भी विराजमान हों, और लगभग सभी मंदिरों में दोनों ही भगवान साथ साथ होते हैं। तो आपको किसी भी मंदिर में जहाँ दोनों भगवान आपको मिल जाए वहाँ ये प्रयोग करना है। सबसे पहले आप जल का लोटा लेकर के जैसे मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, जो भी पूजन सामग्री ले जाते हैं वो आपकी इच्छा है वो लेकर के आप मंदिर जाएंगे और सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। जैसे आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में भगवान गणेश जी, पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर महाराज और शंकर जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद अब आपका ये उपाय शुरू होता है। और उपाय में आपको क्या करना है कि जो आपने 108 मसूर की दाल के दाने लिए थे, अब एक एक करके भगवान शिव की शिवलिंग पर वो आपको चढ़ाने शुरू करने हैं। और चढ़ाने कैसे हैं ये समझ लीजिए कि आपको सीधे हाथ, जी हाँ, आपको सीधे हाथ से एक एक दाना करके आपको चढ़ाना है भगवान शिव की शिवलिंग पर। और हर दाने के साथ आपको बोलना है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ये आपको बोलते जाना है और आपको एक एक दाना साबुत मसूर की दाल का शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यानी कि 108 दाने लिए तो आपने 108 बार इस मंत्र को जप लिया है, है ना? तो आपको इस तरह से ये चढ़ा देना है, ठीक है ना? अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, ये चढ़ा देने के बाद दूसरे उपाय में आपको करना है कि आप जो लड्डू लेकर के आए हैं मंदिर में, उस लड्डू के अंदर आपको तुलसी का पत्ता छिपा देना है। जी हाँ, तुलसी का पत्ता आपको लड्डू के अंदर छुपा देना है।
तो लड्डू के अंदर तुलसी का पत्ता छुपा देने के बाद में ये लड्डू आपको श्री बजरंगबली हनुमान जी के आगे रख करके भोग लगाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हनुमान बाबा आप इस भोग को स्वीकार करें। आपको भोग लगा देना है हनुमान जी का इस लड्डू से, और लड्डू से भोग लगाने के बाद में आप हनुमान जी के सामने बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके मन ही मन आप जितनी आपकी श्रद्धा हो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर आपकी श्रद्धा बने आप हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाइए और मन ही मन उसे बोलिए, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। हनुमान बाबा से बार 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 आप यही कहिए, और जब आपका मन ये कहे कि अब मेरे को बस यहीं पे पूर्णता कर देनी चाहिए, तब आप कहेंगे हनुमान बाबा मुझ पे ऐसा कौन सा संकट है जो आप टाल नहीं सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में हूँ, हे बजरंगबली हनुमान बाबा मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाइए। आपको ऐसा उनसे प्रार्थना करनी है, ऐसा कहना है, और लड्डू जो आपने भोग लगाया था वो वहीं पर हनुमान बाबा के समक्ष आपको छोड़ देना है। इतना कार्य आप करके आइए और आप यकीन मानिए आपको 7 मंगलवार लगातार यही नियम दोहराना है। आप यकीन मानिए आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपके नए रास्ते खुल करके आपका कर्जा निकल जाएगा। मित्रों ये बहुत असरदार और चमत्कारिक उपाय हैं जो हमने आपको 2 बताए हैं, और यदि आपको ये उपाय अच्छे लगे हों और आप इनसे लाभान्वित भी होंगे, ये भी हमारा पूरा वादा है आपसे, तो आप वीडियो में जाकर के ओम नमः शिवाय जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइएगा। जय बजरंगबली, जय शिव शंकर महादेव।